हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है एग पुलाव। आप इसे एक मसाला राइस भी बोल सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। अब इसमें इस तरह से कट लगा दें जिससे ग्रेवी इसके अंदर अच्छे से चला जाएगा। इस तरह सारे एग को कट कर लें। एक मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से धोकर कट कर लें। आलू ऑप्शनल है, चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले अंडा आलू को फ्राई करेंगे। कुकर को गर्म करें। अब इसमें तेल डाल दें। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। अब इसमें अंडा आलू को डालकर अच्छे से फ्राई कर लें। अंडा आलू का हमें लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब सेम तेल में हम गरम मसाला डालेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा और तेज़पत्ता डाल दें। अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालें और इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। एक बड़े साइज का प्याज लिया है। प्याज को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। एक बड़े साइज का टमाटर डाल दें और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालें। नमक डालने से टमाटर हमारा जल्दी गल जाएगा। आप देख सकते हैं टमाटर गल चुका है। अब इसमें मसाला ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच चिकन मसाला। चिकन मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाला नीचे से जले नहीं। मसाला को अच्छे से फ्राई कर ले जब तक उससे तेल अलग ना हो जाए। आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग हो चुका है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ अंडा आलू ऐड करेंगे। अंडे को मसाले के साथ 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर ले। अंडा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 गिलास बासमती राइस लिया है। आप कोई भी व्हाइट राइस यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से धो लें और इसमें डाल दें। राइस को मसाला के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। मैंने 1 गिलास राइस लिया था तो यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप इस बात का ध्यान रखें, आप कुकर में व्हाइट राइस बनाते होंगे, आप जिस क्वांटिटी में पानी यूज करते हैं आप सेम क्वांटिटी में पानी यूज करें। अब इसे अच्छे से मिला दें। अब इसे बंद कर दें और इसे हाई फ्लेम में 1 फुल सीटी आने तक पकने दें। एक फुल सिटी आ चुका है। अब इसका फ्लेम आप लो कर दें। लो फ्लेम में इसे 4 मिनट तक पकने दें। अब इसका फ्लेम आप ऑफ कर दें। इसका सारा प्रेशर निकलने दें, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। सारा प्रेशर निकल चुका है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। एक पुलाव हमारा रेडी है। अब इसमें हरा धनिया डालें और इसे अच्छे से मिला दें। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे दही या रायता के साथ सर्व करें। एक पुलाव रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।